गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू शिक्षा धाम। फर्स्ट लास्ट वीडियो हमने जो करा था, लास्ट लेक्चर जो मैंने लिया था, वो लिया था कॉरपोरेट अकाउंट के असाइनमेंट पे, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने उसको ध्यान से देखा और अंडरस्टैंड किया, और बहुत सारे बच्चों का इनफैक्ट मुझे व्हाट्सएप पे क्वेरी आया कि सर इसके अंदर ये एडजस्टमेंट है। मैंने वहाँ पे कुछ एक पॉइंट रह गया था सिक्योरिटी प्रीमियम का, बच्चों ने खुद सर्कल करके मुझे भेजा कि सर यहाँ पे शायद सिक्योरिटी प्रीमियम का क्या अमाउंट होगा। उसके लिए थैंक यू सो मच, जो आप सभी ने, जो हमारी फैमिली है यूट्यूब की, उन लोगों ने जितना भी अप्रिशिएट किया है मुझे, इससे मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंस इन द सेंस कि एक अच्छा लगता है कि मोटिवेशन मिलता रहता है। तो आज मैं आपके सामने इनकम टैक्स का असाइनमेंट लेके आया हूँ। इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था इनकम टैक्स में, लेकिन उसमें थोड़ी सी गलती रह गई थी, जिसकी वजह से मैंने उसको क्या करा, हटा दिया, और फिर मैं न्यू वीडियो अब अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड था, एम एस श्रेया 33 ईयर ओल्ड। सबसे पहले अंडरलाइन करिए, मैं साइड में आपके यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है क्वेश्चन, और यहाँ देख सकते हैं। मिसेस श्रेया जो है, श्रेया ने 33 ईयर ओल्ड, नॉन रेजिडेंस, सबसे पहले अंडरलाइन करिए नॉन रेजिडेंस। नॉन रेजिडेंस का डिस्कशन करेंगे, इस पर नोटिंग आएगी जरूर, ध्यान रखिएगा। ऑन अ हाउस इन दिल्ली विच लेट आउट ऑन 1 अक्टूबर 2018, जिसको किराए पे दिया गया 1 अक्टूबर 2018 से, द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस कंप्लीटेड 1 सितंबर 2018। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया 1 सितंबर को, लेकिन मकान को जो किराए पे दिया गया वो दिया गया 2018 में। The house is let out on monthly basis of rent ₹75,000, और घर को 75,000 महीने के किराए पे दे दिया गया। Rent of two home could not be realized, और rent of two month, और इस मकान का 2 महीने का किराया मिला ही नहीं। तो 6 महीने टोटल किराए पे थे, जिसमें से 2 मिला नहीं, तो अल्टीमेटली 4 महीने का ही मिला है। Other detail of the house आर एस फॉलो, अदर डिटेल कुछ गिवन है। म्यूनसिपल वैल्यू दे रखा है 50,000 पर मंथ। म्यूनसिपल टैक्स ड्यू, और म्यूनसिपल टैक्स जो हमारा ड्यू था वो था 50,000 रुपीज देने बाकी थे। तो म्यूनसिपल टैक्स का क्या प्रोविजन होता है हमारा, कि अगर पेड करोगे तो डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगा। सिंपल सा लॉजिक है। आउट ऑफ विच टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 30,000 रुपीज, इसमें से 50 बाकी थे जिसमें से 30 दे दिए। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बाकी वाले पे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन जितने दिए उस पे तो मिलेगा। उसके साथ साथ ये भी देखना होता है कि जो मकान मालिक पेड करेगा उसी अमाउंट का। आउट ऑफ 30,000 रुपीज 20,000 पेड बाय ऑनर, सिर्फ 20,000 ही पेड किया, तो जो म्यूनसिपल टैक्स का डिडक्शन मिलेगा वो सिर्फ 20,000 रुपीज का मिलेगा, और 10,000 जो टेनेंट ने पेड किया उसका नहीं मिलने वाला। श्रेया ने एक HDFC से लोन लिया 1 सितंबर 2013 में, और 12.5% के प्रीमियम पे, और 2 लाख रुपए रीपेड भी किए। इनफैक्ट इसने 31 मार्च 2016 में रिमेनिंग अमाउंट अनपेड रहा। कंप्यूट नेट इनकम टैक्स लाइबिलिटी, इनकम टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करना है फॉर असेसमेंट ईयर 19-20, और सी स्पेंड, और इसने अपना स्पेंड किया 30,000 मेडिकल ट्रीटमेंट हर डिपेंडेंट ब्रदर। तो मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करूं तो इसको इसका डिडक्शन मिलना चाहिए, मिल जाता अगर ये रेजिडेंस होती, क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट है, तो ये डिडक्शन 80DD या 80U का नहीं मिलेगा। हम नोट लिखेंगे। आगे कहता है कि द स्पेसिफाइड बोर्ड क्लेम डिडक्शन द सेम अंडर द रेलेवेंट सेक्शन, मतलब क्लेम करा है इसने डिडक्शन का, बोर्ड ने बोला है कि ले सकते हो डिडक्शन, लेकिन NR है इसलिए नहीं देंगे। हर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 570, दूसरी इनकम है और लॉस है हमारा कैपिटल गेन का। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेटअप हो सकता है, और आपका हो सकता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, और किसी से सेटअप नहीं होता। तो चलिए जी, क्वेश्चन तो मैंने पढ़ लिया है, अब मैं इसका थोड़ा सा, सबसे पहले ये जो है यहाँ पे मेन क्वेश्चन में कंटेस्ट क्या है कि आपसे पूछा गया कि आपको टोटल इनकम बताना है। तो मैं पहले क्या करता हूँ यहाँ पे टोटल इनकम के लिए, सबसे पहले मैं पार्ट नंबर वन करता हूँ, नोट नंबर वन। अभी टोटल इनकम नहीं निकालूंगा, जितने नोट होंगे पहले मैं नोट कर देता हूं, और नोट में मैं क्या लिखूंगा, मैं क्या करने जा रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी
इनकम किसके लिए? फॉर, ये नीचे लिख देते हैं, फॉर मिस श्रेया, फॉर असेसमेंट ईयर। अब देखिए असेसमेंट ईयर क्या है, 2019 या फिर मैं सिंपल लिख देता हूं 19-20, ठीक है। अब हमें हाउस प्रॉपर्टी का पहले वर्किंग नोट है एक तरीके से, क्योंकि टोटल इनकम में और भी इनकम है, तो कुछ बच्चों को लगता है हाउस प्रॉपर्टी का इसमें मेजर पार्ट है, लेकिन जब टोटल इनकम पूछा जाए ना तो क्वेश्चन हाउस प्रॉपर्टी का नहीं रहता, क्वेश्चन हर किसी का बन जाता है, जितने पांचों हेड है सबका बन जाता है। इसमें हाउस प्रॉपर्टी भी आ सकता है, सैलरी भी आ सकता है, पीजीपीबी भी आ सकता है, लेकिन हमारे इसके अंदर सिर्फ दो पॉइंट को मिक्स, तीन पॉइंट को मिक्स किया गया है, एक कैपिटल गेन, एक अदर सोर्स, एक हाउस प्रॉपर्टी। तो पहले मैं तीनों पॉइंट को समझ लेंगे हम, समझने के बाद फिर इसको आगे सॉल्यूशन करेंगे। हाँ, काफी बच्चों का ये कहना है, मेरे से शिकायत है कि सर मुझे, हमें ना पीडीएफ दे दो आप, तो मैं डेफिनेटली आज पीडीएफ अपलोड करूंगा, और मैं जो हमारे जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे तो नहीं, अभी मैं आपको जो YouTube का डिस्क्रिप्शन है वहां मैं डेफिनेटली आप सबके लिए पीडीएफ को मैं अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी उसके लिए, ठीक है। पीडीएफ अपलोड करने के बाद फिर क्या है कि आप उसे देख भी सकते हैं। मैं बाकी कहूंगा जिन बच्चों ने मेहनत किया है वो तो सारे डिटेल वीडियो देखेंगे कि भाई हमने क्या करा था और क्या करा है, और जिन्होंने मेहनत नहीं किया है वो तो वो बच्चे सोचे कि हमें बस असाइनमेंट प्रिपेयर करना है, ये चैप्टर हमारा अच्छे से हुआ नहीं था, तो वो असाइनमेंट देख के अपना नोट प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फॉर्मेट पूरा रहेगा, हेडिंग ब्लैक पेन से लिखिए तो ज्यादा बेटर है और प्रॉपर तरीके से। नोट नंबर वन है, सबसे पहले नोट नंबर वन में हमें लिखना होगा जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें हेल्प लेना पड़ेगा नोट नंबर वन। इस नोट के अंदर, ये वर्किंग नोट है, इसके नंबर वन यहां लिखते हैं, पॉइंट नंबर वन रोमन में वन कर दिया इसके लिए, ये स्टार बना देते हैं, ठीक है। मैंने स्टार बना दिया, सिंगल स्टार, और ये सिंगल स्टार पे क्वेश्चन में देखो आप, लेट आउट है आपका कब से, कंस्ट्रक्शन के लिए सितंबर अक्टूबर से लेट आउट है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें करना चाहिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, जीएवी, जीएवी निकालने के लिए सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू, एमवी, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ एमवी, आप पूरा लिखें म्युनिसिपल वैल्यू, और 6 महीने का हिसाब किताब है तो 50,000, 50,000 मल्टीप्लाई 6, और ये आ गया हमारा 3 लाख। इसके बाद फेयर रेंट, देखो फेयर रेंट है नहीं तो, लेकिन कई बार हम क्या कर सकते हैं कि जब फेयर रेंट हमें ना दिया हो तो हम एक्चुअल रेंट को भी फेयर रेंट मान लेते हैं, तो मैं एक्चुअल रेंट को यहाँ पे फेयर रेंट मान रहा हूँ, कई बार हो सकता है, क्योंकि फेयर रेंट वही होता है जो कि एक्चुअल में मिला हो आपको, जो आस पड़ोस के हिसाब से अंदाजा लगाया जाए, वैसे नॉट एप्लीकेबल लेके चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे है नहीं, मैं एक्चुअल रेंट मान सकता हूँ, या तो फिर मैं यहाँ पे फेयर रेंट को रहने ही देता हूँ डायरेक्ट आपको, क्योंकि असाइनमेंट में लिखना है ये पूरा, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे फेयर रेंट लिया जा सकता है, क्योंकि आपके बुक में मैं ले लेता हूँ, क्योंकि आपके बुक में कुछ क्वेश्चंस में ले रखा होगा, आप देखोगे तो फेयर रेंट जो है 75,000 मल्टीप्लाई 6, 4.5 लाख। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं हायर, तो आता है फेयर रेंट नंबर वन जो कि आ गया 4.5 लाख, ठीक है। इसके बाद स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट है नहीं हमारा तो नॉट एप्लीकेबल, फेयर रेंट नंबर वन मैं किसको दे रहा हूं इन दोनों में से जो हमारा क्या है हायर, स्टैंडर्ड रेंट एप्लीकेबल है नहीं, तो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट जो आ जाता है ईआर, एक्सपेक्टेड रेंट जो हमारा निकल के आएगा यहां पे वो आएगा 450। नाउ इसको कंपेयर करते हैं एक्चुअल,
एक्चुअल रेंट, जो कि हमारा 2 महीने खाली रहने के बाद क्या था, हमारा जो बनता है 75 इंटू में 4, 3 लाख। अब यहां पे क्या कंपैरिजन होता है, ज्यादातर जो स्टूडेंट को मैंने देखा है कैलकुलेशन में कई बार मिस्टेक कर देते हैं, यहां पे कैलकुलेशन लेते हैं इन दोनों में से हायर, जबकि ऐसा नहीं है। ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, जो ये दोनों पॉइंट्स हैं हमारे, ये दोनों पॉइंट, इन दोनों में से हायर नहीं लिया जाता। अगर वैकेंसी नहीं है तो हायर चलेगा, अगर वैकेंसी है और रूल नंबर 4 इसने कंप्लीट किया है कि इसने सारे लीगल स्टेप्स लिए हैं उस रेंट को रिकवर करने के लिए, तो फिर उस सिचुएशन में हमें 450। आप खुद समझो, मान लो आप 1 महीने किराए पे देते हो, गवर्नमेंट बोलता है कि भाई आपने 50,000 रुपये किराया रिसीव किया है, और गवर्नमेंट बोलती है 5 लाख पर टैक्स दो, क्या आप दे दोगे? कभी भी नहीं दोगे आप टैक्स, चाहे उसके लिए गवर्नमेंट आपके ऊपर केस कर दे, कुछ भी कर दे, जब भाई आपकी इनकम ही 50 है तो 5 पे कैसे दोगे। तो सेम इसी तरीके से, तो गवर्नमेंट क्या कहता है कि देखो अनरियलाइज रेंट का मतलब क्या होता है, 25A सेक्शन है इसका, अनरियलाइज रेंट, इसके लिए भी नोट देना पड़ेगा कि अनरियलाइज रेंट एज पर सेक्शन 25A के अकॉर्डिंग 2 मंथ का जो था सारे रूल फॉलो किए हैं रूल नंबर 4 को। तो जो जो बातें कुछ हो रहा है उसको लिखना भी है आपने। तो उसमें क्या कहा गया है अनरियलाइज रेंट में, कि अगर आपको इस साल रेंट नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आपको जितना कमाई है, जितना आपका रेंट रिसीव है, उसके ऊपर टैक्स दीजिए, और बाकी जितना पार्ट आपका बच गया अगर कभी फ्यूचर में मिलता है तो उसके ऊपर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करके गवर्नमेंट को जमा करिए, ये कहता है। तो यहाँ पे मैं इसलिए क्या लूंगा इन दोनों में से, अब हायर का कॉन्सेप्ट नहीं है, हमें दिमाग से सोचना है और जो भी है। तो यहाँ पे मेरा आएगा GAV, GAV, और वो आएगा निकल के 3 लाख रुपए। तो पहला मैंने स्टार बनाया वर्किंग नोट का, और ये मैं करने जा रहा हूं, यहां पे मेरा GAV आ गया 3 लाख। इसमें से माइनस कर देते हैं म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स MT कर देता हूं, आपने पूरा म्युनिसिपल टैक्स लिखना है, म्युनिसिपल टैक्स इसके ऊपर बना देते हैं हम डबल स्टार, और इस डबल स्टार के लिए नोट, म्युनिसिपल टैक्स टैक्स विल बी अलाउड टू डिडक्ट फ्रॉम GAV इफ पेड बाय ऑनर बट इन द गिवन प्रॉब्लम टोटल अमाउंट ड्यू रुपीस 50,000 एंड आउट ऑफ विच ओनली 20,000 पेड बाय ऑनर, हेंस अलाउड ओनली 20,000 डिडक्ट फ्रॉम GAV। मैंने एक्सप्लेन दे दिया, और यहां पे माइनस कर दूंगा मैं 20,000 रुपए, क्योंकि देखो अगर मैं वर्किंग नोट भी समझाऊं तो टोटल 50 था, पेड तो था नहीं, 50 में से मानते हैं कि 30 दिया है इसने, लेकिन क्या चेक करो 30 ऑनर ने दिया है, अगर ऑनर ने 30 नहीं दिया है तो जितना ऑनर ने दिया तो ऑनर ने इसमें से भी 20 दिया है, तो सिर्फ 20, ठीक है। इसके बाद जब ऑनर ने 20 दिया है, माइनस करोगे आप, आपका आएगा 280, 280 आ गया ये, ठीक है। इसे यहां से हटा देते हैं और भी यूज करेंगे, ये आ जाता है हमारा नेट एनुअल वैल्यू,
इसमें से लेस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। अब ये होता क्या है 30%? इसकी स्टोरी में थोड़ा सा आपको बताऊं, पहले क्या होता था, गवर्नमेंट ने जो लॉ बन रहा था तो मकान मालिक का क्या कहना था कि सर हम मकान को किराए पे देते हैं तो हम टैक्स पे तो उसी पे देंगे ना जितना इनकम होगा। सरकार ने बोला बिल्कुल ठीक बात है, आपको टैक्स देना चाहिए उसी पे जितने आपकी इनकम होगी। तो मकान मालिक ने बोला सर मेरे मकान का किराया साल का 2 लाख रुपए आया, लेकिन हमने रिपेयर भी करवाया, वाइट वॉश करवाया, इलेक्ट्रिसिटी बिल के पेमेंट हमने की, हमारा किराएदार कुछ भी नहीं देता और 2.5 लाख का खर्चा आ गया। तो बताओ मकान मालिक ने सरकार को 2 लाख का इनकम और 2.5 लाख का खर्चा बताया, तो मकान मालिक का क्या हुआ, नुकसान मतलब के लॉस दिखा दिया। इसको देखते हुए सब लोग ऐसे ही करने लग गए, बोगस बिल फेक बिल बनाने लगे कि मेरा रिपेयर का हुआ, ये इलेक्ट्रिसिटी ऐसे हो गया ऐसे हो गया। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ये तो बड़ी समस्या है, हर कोई ऐसे ही आ जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा तुम मकान के ऊपर रिपेयर कराओ चाहे जो मर्जी कराओ, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% मिलेगा। किसका? एनएवी का। अगर मान लो आपने कुछ कराया ही नहीं है पूरे साल तब भी 30% दे रहे हैं, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है। फ्लैट जैसे कि सैलरी में हमारा 40,000 रुपीज स्टैंडर्ड डिडक्शन है जिसको अब बढ़ा के 50 कर दिया गया है, तो यहां पे स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है 30%। तो 30% इसका निकालते हैं अगर हम, तो इसका 30% क्या आएगा चलो अभी देख लेंगे। इसके बाद माइनस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट डिडक्शन, ये है अंडर सेक्शन 24A, देना है आपने, मेंशन करना है 24A। अब इसके बाद इंटरेस्ट डिडक्शन, अंडर सेक्शन 24B, अंडर सेक्शन 24B का डिडक्शन, इसमें इंटरेस्ट का मिलता है। इंटरेस्ट वाला थोड़ा सा कैलकुलेटिव पोर्शन है, तो एक बार आप इतना नोट करिए फिर मैं इंटरेस्ट वाले डिडक्शन पे आता हूं, और इंटरेस्ट वाले डिडक्शन को फिर मैं फुल एंड फाइनल करूंगा। तो एक बार इसको नोट करिए आप, इसके बाद इंटरेस्ट एंड डिडक्शन के लिए मुझे पूरा स्पेस चाहिए, कैलकुलेशन चाहिए, फिर माइनस करूंगा मैं, ठीक है? आप फटाफट से नोट करिए इसको। चलिए इंटरेस्ट के डिडक्शन की हम बात कर रहे थे, मैं इसको लिख ही देता हूं। कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं सर इसका निकाल के, आप कमेंट में भी लिखो कितना आता है, 84,000। अब 24B देना है। सबसे पहले 24B को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, जो हमारा 24B है ये क्या कहता है कि अगर आप लोन लेते हो घर को बनवाने के लिए, ऐसा नहीं बिजनेस करने के लिए, अगर आप कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेते हो, लोन तो लेना है लेकिन किस पर्पस के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में दो पार्ट आ जाते हैं हमारे। फर्स्ट, या तो आपका एनएवी 0 होगा या आपका एनएवी नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर एनएवी 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है, इस केस में जितना इंटरेस्ट, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 10 लाख, जितना इंटरेस्ट है फुल इंटरेस्ट अलाउड अलाउड। लेकिन इसके इन केस एनएवी 0 नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में मैक्सिमम लिमिट डिसाइडेड है। अगर 0 है तो, सॉरी मैंने बोला 0 नहीं है, मैक्सिमम लिमिट 2 लाख। तो बताओ क्या मेरा एनएवी 0 है, यहां पे है 0 मेरा एनएवी? नहीं है एनएवी, तो है कुछ ना कुछ अमाउंट, सिंगल रुपीस भी होगा तो इस कैटेगरी में आ जाएगा। तो कितने इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, फुल। अब इंटरेस्ट दो प्रकार के होते हैं, इंटरेस्ट हमारे दो टाइप के हैं सर, इंटरेस्ट भी दो टाइप के। हाँ, एक होता है पीसीपी प्री कंस्ट्रक्शन और एक होता है करंट ईयर। एक होता है पीसीपी और एक होता है हमारा करंट ईयर। तो मैं ये दोनों चीजें सिखाऊंगा, पीसीपी भी और करंट ईयर भी, ठीक है? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्वेश्चन में लोन कब लिया गया था और कब तक काम चला था। अब उससे पहले मैं एक पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, आप मुझे बताना। सबसे पहले आपने इसमें सेक्शन पढ़ा होगा, सेक्शन 22 चार्जेस का,
इसमें क्या कहता है, आपको हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स देना चाहिए, यही बोलता है ये सेक्शन। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी का मतलब है आपका, अगर मैं ये बोलूं सिर्फ लैंड, तो ये हमारा, अगर मैंने बोला ये हमारा लैंड है, तो क्या ये हाउस प्रॉपर्टी में आएगा इसका रेंट? इसका रेंट अदर सोर्स में आएगा। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर बोला गया है कि आपका घर होना बहुत जरूरी है। जैसे कि सपोज करो मैंने यहां पे क्या करा, घर बना दिया, तो घर होना जरूरी है, ये सेक्शन 22 कहता है, अगर आप डिटेल डिस्कशन एनालिसिस करेंगे तो सर इसमें क्या बात है? नहीं, अभी सिखा समझाते हैं, फिर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाएगा। यानी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास सिंपली घर होना चाहिए टैक्सेबल करने के लिए, ठीक है? घर होना चाहिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 4 साल का डेटा ले लिया है। क्या विजुअल है पूरा आपको? हाँ जी विजुअल है सर। मान लेते हैं 2004, 2005 और 2006 और 2007, ये 4-5 हो गया, ये है। इस साल में मैंने जमीन लिया, ठीक है ना, इस साल में मैंने जमीन लिया, और जमीन जो लिया वो लोन पे लेके लिया। क्या मेरा घर है? इस लोन के ऊपर हमारा ब्याज जाएगा या नहीं जाएगा? सर बिल्कुल जाएगा, इंटरेस्ट इस लोन पे। और कहता है कि घर से रिलेटेड, घर को बनवाने के लिए या घर को खरीदने के लिए लोन लिया जाए तो डिडक्शन मिलेगा, और डिडक्शन 24B में मिलेगा। मैंने क्या चालाकी दिखाई, 2004 में मैंने रिटर्न भरा, और रिटर्न भरने के बाद मैंने बोला सर मेरा ये रहा हाउस प्रॉपर्टी, और इस साल का मेरा ब्याज है, मेरा सैलरी से इनकम है 6 लाख का, और मेरा जो इंटरेस्ट आया है वो 3 लाख का आया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 6 लाख माइनस 3 लाख मेरा टैक्सेबल इनकम बनता है, 3 लाख रुपए मैं टैक्स 3 पे दूंगा। यही हुआ, क्योंकि मैं एक सिंपल पर्सन हूं, आप खुद सोचो, मेरी सैलरी से 3 लाख रुपए की कमाई है, और मैंने घर लिया उसके लिए ब्याज गया मेरा सपोज करो 3 लाख रुपए, तो मैं तो बोलूंगा भाई 6 कमाई और 3 तो माइनस कर दूंगा मैं, क्योंकि यहां से घर नहीं है तो सब कुछ जीरो आके क्या हो जाएगा, हमारा माइनस में पहुंच जाएगा। गवर्नमेंट ने कहा भाई कैसी बातें कर रहे हो, आपको 6 लाख पे ही टैक्स देना पड़ेगा। मैं बड़ा परेशान हुआ कि भाई ऐसे क्यों? उसने बोला कि भाई सेक्शन 22 तो यहां पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा, सेक्शन 22 को तो आप डिफाइन ही नहीं कर रहे कि आपका हाउस प्रॉपर्टी है, आपका घर ही नहीं है, तो आपने रिटर्न कैसे कैसे बता दिया कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है? तो यानी यहां पे गवर्नमेंट ने आपको हाउस प्रॉपर्टी का कंप्यूटेशन बनाने से मना कर दिया। बड़ी समस्या है। तो आप, मुझे चिंता हो गई कि भाई मैं हाउस प्रॉपर्टी का इनकम बनाऊंगा नहीं तो इंटरेस्ट का डिडक्शन कैसे लूंगा? ऐसे तो सरकार ने पागल बना दिया भाई कि इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा तुम्हें। फिर दूसरे साल मैंने क्या करा, थोड़ा सा घर बना बस। सेकेंड ईयर भी मैं बोल गया लेने के लिए सरकार से, मैंने बोला सर सैलरी की इनकम ये, हाउस प्रॉपर्टी की, बोला हाउस प्रॉपर्टी की कैसे निकाल रहे हो तुम, तुम्हारा हाउस है? मैंने बोला सर बन तो रहा है। उसने बोला जब बन जाए तब बात करना। बना तो नहीं, हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन का मतलब है घर होना चाहिए, छत होना चाहिए, दीवार होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, आप हाउस प्रॉपर्टी के नहीं भरोगे। मैंने बोला लो जी सरकार, मैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पे टैक्स नहीं दे रहा, अगर हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन नहीं करूंगा तो इंटरेस्ट का डिडक्शन कैसे लूंगा? अगले साल फिर गए, अगले साल थोड़ी और बाउंड्री ऊपर हो गई। मैंने बोला अब देखो बहुत हो गया, आपको अब मेरा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भरने दे। मैं क्यों भरना चाहता हूँ हाउस प्रॉपर्टी का, क्योंकि मेरा सब कुछ जीरो आ जाएगा, एनएवी भी मेरा जीरो होगा, और इंटरेस्ट का डिडक्शन अगर मैं 3 लाख लूंगा तो इनकम क्या हो जाएगा, माइनस में नेगेटिव में, और इनकम नेगेटिव एक और एक सैलरी से इनकम पॉजिटिव, तो दोनों को माइनस करके मैं नेट इनकम कम कर सकता हूँ, इसलिए मैं लड़ रहा हूँ इनकम टैक्स वाले से। इनकम टैक्स वाले ने 2006 में भी मुझे नहीं भरने दिया, और बोला कि जी घर ही नहीं है। फिर मेरे मैंने बोला कि भाई तो फिर ये डिडक्शन किस बात की है? तो इनकम टैक्स वालों ने समझाया भाई जिस साल घर बन जाए ना उस साल एक काम करना आप, आपको चिंता, मुझे चिंता किस बात की है, इस वाले इंटरेस्ट की, इस वाले इंटरेस्ट की, इस वाले, ये तीनों मेरे एक तरीके से इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं ले पाया मैं। ये मैंने बोला कि सर 24B किस काम का, जब मेरा ये इंटरेस्ट का बेनिफिट मिला ही नहीं। उसने बोला हम इसका देंगे, इन सबका इंटरेस्ट को जोड़ लो, घर आपका इस साल बन के तैयार हो गया, इस साल घर बन गया, इसे छोड़ो, इस साल का तो आप करंट ईयर का तो लोगे ही लोगे, जिसके लिए आप इतने दिन से मरे जा रहे थे,
जिसके लिए आप बोल रहे थे कि मैं एचपी भरूंगा, तो इस साल के तो भरोगे तो हम मना थोड़ी कर देंगे आपको, आपको आप भर के लेके आओगे, हम पूछेंगे फिर घर कहाँ है, आप बोलोगे जाओ देखो घर, तो इस साल का तो भरोगे ही, तो आपको चिंता किस बात की खाई जा रही है? चिंता खाई जा रही है आपको इन 3 साल की, इन 3 सालों का इंटरेस्ट निकाल लो और इसको 1 साल में माइनस नहीं करने देंगे, इसे 5 सालों में माइनस करने दिया जाएगा डिवाइड करके, इतनी सी बात है। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब क्या है, इस साल भले ही मेरा घर इस जगह पे कंप्लीट हुआ हो, भले ही मेरा इस जगह पे कंप्लीट हुआ हो, भले ही मेरा एंड में कंप्लीट हुआ, भले ही शुरू में, इस साल के इंटरेस्ट की तो चिंता नहीं है। चिंता कहां से कहां तक के इंटरेस्ट की है? इन 3 साल की। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट हमारा वो इंटरेस्ट होता है जिसका बेनिफिट हमें नहीं मिल पाता, उसको बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। ऐसा नहीं कि मकान बनने से पहले वाला, ठीक है? हाँ जी सर, ठीक है। अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी बता दो सर। ठीक है, बताते हैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, इसे मिटा दें। चलिए अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले जो लोन लिया गया था वो लिया गया था, क्वेश्चन में कहता है एचडीएफसी से लोन 1 सितंबर 2013, तो 1 सितंबर लोन टेकन है, 1 सितंबर, 1/9/2013 कितने का लिया गया भाई? यहां पे लोन लिया गया 15 लाख का। और मकान तैयार कब हो गया हमारा? मकान हो गया 18। तो देखो 18 और 19, इस साल तो मैं रिटर्न भरूंगा, इस साल का तो रिटर्न ले लूंगा, तो मेरा इंटरेस्ट प्री कंस्ट्रक्शन का कब से कब तक का होगा? 1 सितंबर से लेके, मेरा 1 सितंबर से लेके 31/3/2018 तक का प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है, क्योंकि 18 और 19 में तो मैंने डिडक्शन लिया ही लिया होगा करंट ईयर का, लेना है, बल्कि लिया नहीं होगा, लेना है। अब चलो निकालते हैं, 1/9/2013 से सिंपल लिख देता हूं 31/3/2014, इसके अंदर हमारा लोन था 15 लाख का, रेट है हमारा 12.5, मंथ है हमारा 7/12, ठीक है? अब मैं सीधा लिख रहा हूं 2014 to 2015, पूरा पूरा साल चलेगा ना, इस साल भी लोन मेरा है 15 लाख का, रेट है 12.5%, और इनटू में अब पूरा साल का है तो 12/12 क्यों करोगे, एक ही होगा वो, सिंपल रहने दो, ठीक है? 15, 16 लोन का जो रीपेमेंट किया है ना, इसने 2016 में किया है 31 मार्च को, 31 मार्च को किया है, तो इस साल तो पूरा ही ब्याज जाएगा, 15 लाख पे ही जाएगा ब्याज, मल्टीप्लाई 12.5/100, ठीक है? 15, 16 के बाद 16, 17 में, 16, 17 इस साल मेरा लोन थोड़ा कम हो गया, यानी लोन जो आया मेरा ये 16, 17 में है, वो 2 लाख हम दे चुके होंगे क्योंकि हमने 2 लाख रुपए इस एंड डेट पे दिया था, तो आएगा 12.5/100। इसके बाद 17, 18 में जब जाएंगे हम, तब भी हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा किस पे? 3 लाख, सॉरी 13 लाख, 12.5/100। अभी मैं कैलकुलेशन कर दूंगा। 18, 19 में तो हमारा मकान बन ही चुका है, कंप्लीटेड है, तो उसमें करंट ईयर का इंटरेस्ट होगा, जिसको कि मैं इस साइड नीचे कर दूंगा, यहां मैं कर दूंगा करंट ईयर इंटरेस्ट, करंट ईयर इंटरेस्ट। तो 5 से किसको डिवाइड करना है? पुराने वाले इंटरेस्ट का, जब तक घर नहीं बना था, तो पुराने वाला इंटरेस्ट ये सारा है, और 5 से ये करंट ईयर का पूरा ही मिलेगा। तो करंट ईयर का अगर मैं इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करूं आपके सामने, तो 12 लाख, सॉरी 13 लाख इंटू में 12.5/100, ये करंट ईयर का है, ठीक है? इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबकी कैलकुलेशन करके दिखाता हूं मैं आपको। तो चलिए 15 लाख इंटू 12.5% / 12 इंटू में 7, 109,375, 109,375, 1,09,375। विजुअल है भाई बच्चों, बताइए।
हाँ सर, विजुअल प्रॉपर है, ठीक है जी। इसका 15 लाख पे 12.5%, 187,500, 187,500। अब 13 लाख पे 12.5%, 162,500, 162,500। प्लस करते हैं, प्लस 109,375, 187,500, 187,500, 162,500, 162,500, ये आ गया 9,71,875 रुपये। इसको क्या करते हैं हम, पीसीपी नाम दे रहा हूं, आपको लिखना है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। इसको करेंगे 9,71,875 रुपये को डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? 15 लाख पे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने, ठीक है। 12.5% डिवाइडेड बाय 12, 7, ठीक है, ये 187,500, 187,500, 162,500, 162,500, सॉरी, एक कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक है, 80,9375, 80,9375 डिवाइड बाय 5, ये जी निकल के आ गया 161,875, ठीक है। इसका देखते हैं, 13 लाख, ये आ गया 162,500। तो इंटरेस्ट कितने डिडक्शन के लिए क्वालिफाई है? पूरा ही है। तो पीसीपी वाला 161,875 प्लस में करंट ईयर का 162,500, 161,875 टोटल डिडक्शन मिलेगा 324,375, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा हाउस प्रॉपर्टी से लॉस, तो हमारा आ जाएगा हाउस प्रॉपर्टी से लॉस, तो लॉस आ जाता है, यहां लिखते हैं लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देखते हैं क्या लॉस आता है। 84,000 माइनस 280, 1,28,000 375 रुपये का ये क्या आ गया, हमारा लॉस आ गया, ठीक है। तो ये हमने नोट करा है। इसके लिए इंटरेस्ट के ऊपर हम ट्रिपल स्टार बना देते हैं, और यहाँ इंटरेस्ट का मैंने कैलकुलेशन किया है, आपको हेडिंग डालना है कि ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। चलिए ठीक है, अब इसको फटाफट नोट करिए। इसके बाद बस लास्ट स्टेप रहेगा हमारा कैलकुलेशन का, टोटल इनकम निकालने का, वो मैं निकाल दूंगा। जल्दी जल्दी से नोट करिए, आप इसको फटाफट नोट करिए। अब आ जाइए अब नेक्स्ट पार्ट पे। अब सॉल्यूशन ये है, फ्रंट पेज पे आपका ये होना चाहिए, वो वर्किंग नोट था, ठीक है। अब यहां पे मैंने लिखा कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन ऑफ नेट टोटल इनकम, लिख सकते हैं असेसमेंट ईयर 1924 मिस श्रेया भी लिखोगे आप, यहां पे लिखना है आपने वो। सबसे पहले मैं यहां पे बात करूं तो इनकम फ्रॉम सैलरी है नहीं, मैं हेडिंग डाल रहा हूं टोटल इनकम के लिए, इनकम फ्रॉम सैलरी निल। इसके बाद इनकम फ्रॉम, इनकम नहीं इनफैक्ट लॉस है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जल्दी से कमेंट में बताओ क्या था, मेरे ध्यान में नहीं है, अभी लिख दूंगा मैं। इसके बाद इनकम फ्रॉम पीजीबीपी निल है, असाइनमेंट प्रेजेंटेशन देना है, इनकम नहीं है, लॉस फ्रॉम, लॉस फ्रॉम कैपिटल गेन, कैपिटल गेन जो कि है 50,000,
लॉस है। इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो कि 5 लाख, जो कि हमारा 5 लाख, 5 लाख 70,000। ठीक है, 570, ठीक है। और इसके बाद आगे क्या डिस्कशन करते हैं हम। एक बार मैं इनकम लिख दूं, आपने कमेंट में लिख दिया क्या लिखा था। ठीक है जी, ये लिख देता हूँ। आपका जवाब आया 128, यही बताया ना आपने। ठीक है, अब मैं एक चीज आपको क्लियर करूं कि कैपिटल गेन का जो लॉस होता है हमारा कैपिटल गेन से, वो कभी भी किसी भी इनकम में क्लब नहीं हो सकता। तो हमारा रूल ये कहता है, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक नोट डाल देंगे। ठीक है, नोट आप लिख लेना कि जो कैपिटल गेन का है कि लॉस ना तो हमारा हाउस प्रॉपर्टी से सेटअप होगा, ना कैपिटल गेन का ओनली सेटअप क्या होगा, मैंने लिख दिया हाँ, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ, कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी अदर हेड, इट इज ओनली सेट ऑफ फ्रॉम इनकम फ्रॉम STCG/LTCG, यहीं से सेट ऑफ हो सकता है और कहीं से होगा नहीं। तो दैट्स वाई हमारा ये तो लॉस है हमारा हाउस प्रॉपर्टी का, ये हमारा यहां आ गया। चलिए, और प्रिंसिपल का जो हमारे डिडक्शन मिलता है वो प्रिंसिपल पेमेंट का मिलता है। प्रिंसिपल इस साल पेमेंट हुआ नहीं है। 128 375 माइनस में 570 जो आ गया 44 16 25 आ गया हमारा ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम 44 16 25, ठीक है। इसमें से लेस करेंगे डिडक्शन, चैप्टर 6। देखो अब जो यहां पे नोट लिखेंगे मेडिकल पे, यहां पे आप जो भी स्टार है 3-4 नंबर वो बना लेना, मेडिकल पे, मेडिकल एक्सपेंडिचर, मेडिकल एक्सपेंडिचर, डन बाय बाय श्रेया, बाय श्रेया, नॉट अलाउड एज डिडक्शन। क्यों नहीं होगा? बिकॉज बिकॉज शी इज नॉन रेजिडेंट। अगर ये रेजिडेंट होती तो इसको डिडक्शन मिल जाता। वहां 1.5 लाख रुपए तक का लिमिट है, 80DD में या ATU में ले सकते हैं। तो 80DD नॉट अलाउड, जीरो। ATC का कोई इसका ऐसा है नहीं, तो हमारा टैक्सेबल इनकम आ गया। टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम आ गया हमारा 441625, ठीक है, ये आ गया टैक्सेबल इनकम। इसके बाद की कैलकुलेशन मैं यहां कर देता हूं, टैक्स लाइबिलिटी निकालने का, है ना, टैक्स लाइबिलिटी निकालने का कैलकुलेशन यहां। और तो कोई लॉस वगैरह नहीं रह गया। यहां पे नोट लिखना है इसके लिए,
कि ये हमारा लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड, ये लॉस जो है हमारा ये कैरी फॉरवर्ड होगा, हेंस लॉस कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, ये लिखना है ठीक है। कैलकुलेशन, इसको भी इसी तरीके से बताते हैं, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। कैसे निकालते हैं, अब आपको पता है कि अप टू 250 जीरो, अब नेक्स्ट 250 तो बचा ही नहीं 5% निकालने के लिए, तो हमारे पास बचा क्या है, 250 माइनस कर दे 441625 में से, तो 1,91,625, तो 1,91,625 पे कितने परसेंट, 5%, ये आ गया 9581, 9581 ठीक है। तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ गया, और इसके अंदर 9581 इसके अंदर ऐड हो जाता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, इसका 4% निकाल लो जी, 383 ठीक है। अब 9581 प्लस 383 9964, राउंड ऑफ, राउंड ऑफ अंडर सेक्शन 288A, अपर में करेंगे लोअर में करेंगे 10 के मल्टीपल में, तो हमारा टैक्स लाइबिलिटी होगा 9960 ठीक है। ये लो जी हमारा ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो गया, बहुत ही जल्द, हो सकता है आज या फिर मैं कल यहाँ पर्टिकुलर लिख देता हूँ, कल बहुत जल्दी मैं एक और क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन लेके आऊंगा आपके सामने। आई होप आपको पसंद आया होगा, इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी है, बस मेन पर्पस है, आप सब्सक्राइब लाइक करें चाहे मत करें उसको छोड़िए, मेन है कि आप इसको समझ के करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट है, लाइफ में काम आएगा ठीक है। तो बस मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, अगेन थैंक यू फॉर मोर वॉचिंग माई वीडियो, फॉर इंटरेस्ट की, जिससे कि मुझे बूस्टअप मिलता है, थैंक यू सो मच बच्चों।